चार घर में दो भाइयों में अलग अलग होता है, हैं अलग अलग। लक्ष्य हमारा क्या है? बिहार ना। हालांकि मैं जेल में गया था तो एक वीडियो उनका आया था तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा था। देखिए जो मतलब कि आपके आलोचक होते हैं वो आपका सबसे बड़ा ताकत होते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। ये तस्वीरें देखिए जहां पर आपको जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव नजर आ रहे हैं और हाल ही में जेल से छूटे मनीष कश्यप नजर आ रहे हैं। दोनों जो हैं वो पहले भावुक हो रहे हैं गले लगते हुए और फिर बाद में मनीष कश्यप रोने लगते हैं। फिर उसके बाद जब ये पूरा वाकया हो जाता है तो हमने पप्पू यादव से बात की, उनसे पूछा कि एक वक्त ऐसा था कि आप मनीष कश्यप पर निशाना साधते रहते थे लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि गले लगे और गले लगते ही भावुक हो गए। तो देखिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं और पप्पू यादव के बाद जब हमने मनीष कश्यप से भी यही सवाल पूछा कि जब आप जेल में थे तो एक वक्त ऐसा आया कि पप्पू यादव ने आप पर जो है हल्ला बोल किया था, तो देखिए मनीष कश्यप क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव पर। ऊपर आप मनीष कश्यप से गले लग रहे थे, एक वक्त था खूब हल्ला बोला करते थे मनीष कश्यप पे, मतलब क्या? शिष्टाचार, रिश्ता, विचार, घर में दो भाइयों में अलग अलग होता है, हैं अलग अलग। काफी भावुक भी दिखे आप। हम बिल्कुल अलग अलग हैं विचारधारा में। लक्ष्य हमारा क्या है? बिहार ना, गरीबी ना, गरीब ना। लक्ष्य क्या है? अग्रेशन, नफरत, किसी व्यक्ति को गाली देना। हम मनीष जी हमारे यहाँ से तो शुरू किए, आपके यहाँ शुरू किए, मतलब ये सबसे पहला अंशु कहाँ से शुरू हुआ? अंशुमान का की शुरुआत कहाँ से हुई? पप्पू यादव के 2 लाख रुपया से तो शुरुआत हुई, तब कहाँ से शुरुआत हुई? आई थे घर मेरे वो एक बीमारी को लेकर के, उसके पहले हम लोग वो पार्टी ज्वाइन करने आए थे। आप पूछिए उनसे, मैं उनका सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, हम हृदय से उनको प्यार करते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारी विचारधारा एक हो, बिल्कुल अलग है। उनके तरीके जो हैं हो सकता है जहाँ से जागा वहीं से सवेरा कल अच्छे होंगे, अच्छा करेंगे, करें अच्छी बातें हैं, उसमें क्या था? अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो सही रहेगा, युवा है सर, ये मैं नहीं बता सकता, ये उनको तय करना है, समाज तय करती है, उनके तरीके उनकी विचारधारा तय करेंगे, उनका संघर्ष तय करेगा, उनका कर्तव्य तय करेगा, उनका रास्ता तय करेगा। बिहार में बाढ़ आता है या मजदूरों को समस्या होता है तो वो आवाज उठाते हैं। हालांकि मैं जेल में गया था तो एक वीडियो उनका आया था तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा था, लेकिन मकसद सबका एक ही है कि किसी भी हाल में बिहार को आगे लेके जाना। और मैं उनका पहले भी सम्मान करता था, अभी भी सम्मान करता हूँ और भविष्य में भी सम्मान करता रहूंगा, भले विचारधारा अलग क्यों ना हो। देखिए जो मतलब कि आपके आलोचक होते हैं वो आपका सबसे बड़ा ताकत होते हैं, तो उनकी आलोचनाओं से घबराने की जरूरत नहीं है, उसे सीखने की जरूरत है और अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। अलग अलग हो सकता है लेकिन सबका मकसद ये है कि किसी भी हाल में बिहार को आगे लेके जाएं।